हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अब सितंबर ने दस्तक दे दी है और थोड़ा सा मौसम अगर मैं देखूँ सुबह शाम का ठंडक वाला होने लगा है। तो आगे में आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी कि कैसे हम अपने प्लांट्स को आने वाली सर्दियों के लिए तैयार करें या सितंबर में हमें अपने गार्डन में क्या वर्क करना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि वो है प्लांट्स के केयर के बारे में, जो हमें हमारे वास्तुओं में भी बताया गया है या हमारे पुराणों में भी बताया गया है कि हमें अपने घर में रखने चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से तो सबको प्लांट्स लगाने ही चाहिए क्योंकि ये हमारा मदर नेचर के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है कि हम जितना हमने नेचर को डैमेज किया है वो थोड़ा सा अगर हम एक दो प्लांट्स लगा के अपनी तरफ से उसमें कंट्रीब्यूट करें तो वो अच्छा होगा। अब आप ये कहेंगे कि अगर अकेला प्लांट लगाएंगे तो क्या होगा? अकेला चना भी बहुत कुछ काम कर सकता है। जैसे अगर आप इतने सारे लोग अगर एक एक प्लांट भी लगाएंगे तो आप ये इमेजिन कीजिए कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है, तो कितने सारे प्लांट्स आएंगे। और ये प्लांट्स हम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए लगा रहे हैं। अगर मेरी बात करें तो मेरे लिए तो प्लांट्स, जब मैंने ये शुरू किया था, मुझे होम डेकोर का बहुत शौक है और होम डेकोर के पर्पज़ के लिए ही मैंने प्लांट्स लगाने शुरू किए थे। लेकिन जैसे जैसे मैं प्लांट्स लाती गई और उनकी ग्रोथ देखती गई, एक नई पत्ती, एक नया फूल, मुझे इतनी खुशी देता था ना। और धीरे धीरे मैंने एक दो प्लांट्स करके इतनी बड़ी बगिया बना दे रही। अब तो बस इसी को अब मेरे को ये है कि अब मैं ले आई हूँ, मैंने शुरू किया है, तो मुझे ये कंटिन्यूशन में रखना है। दो प्रोफेशनली मैं एक गार्डनर नहीं हूँ, प्रोफेशनल मेरा कुछ और सीन है। लेकिन अब गार्डनिंग मेरे लिए एक हॉबी से भी ज़्यादा बड़ा एक ऑब्सेशन होता जा रहा है कि मुझे प्लांट्स बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसी चीज़ में रिसर्च करती रहती हूँ, जो मुझे कुछ नया पता लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज इसी उसमें मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स बताऊंगी जो मेरे हिसाब से आप लोगों को अपने घर में ज़रूर ज़रूर रखनी चाहिए। वो खाली एक उनकी, अगर मैं देखूं कि प्लांट वैल्यू उनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है और अगर देखें स्पिरिचुअल वैल्यू भी है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं कि हमें अपने घर में रखने चाहिए। अगर आप प्लांट्स रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहते, तो एटलीस्ट ये 7 प्लांट तो आप ज़रूर अपने गार्डन में रखें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जिनको गार्डनिंग का शौक है उनके साथ भी शेयर करें। तो इतना सा सपोर्ट आपका मेरे लिए बहुत है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं कुछ रील्स, चिट चैट, गार्डनिंग से रिलेटेड आइडियाज़ और डेकोर शेयर करती रहती हूँ। तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एवरीडे विद रिचा। तो चलिए और ज़्यादा बातें नहीं करते और आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे प्लांट की जो इंडिया में पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक हर घर में मिलेगा, जिसकी जितनी इतनी स्पिरिचुअल वैल्यू है उतनी ही इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तुलसी जी की। तो तुलसी में इतनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं कि उसको क्वींस ऑफ हर्ब भी कहते हैं। और एक ये पेरिनियल प्लांट है जो साल भर हमारे साथ रहता है। बस इसकी ग्रोथ समर्स में थोड़ी अच्छी होती है, विंटर्स में थोड़ा ये स्लो ग्रो करता है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो इसे बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर नहीं अच्छा लगता, मॉडरेट टेम्परेचर इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। सनलाइट की बात करें तो इसे मॉर्निंग में 3 से 4 घंटे की सनलाइट बहुत होती है। सॉइल मिक्सचर में इसे हमेशा मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है, बहुत ज़्यादा सॉगी सॉइल ना यूज़ करें। उसके बाद हम बात करते हैं अपराजिता की। पुराणों की माने तो ये विष्णु जी का प्रिय फूल है। तो चलिए अब इस प्लांट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये 2 कलर में आता है, पर्पल और वाइट। मेरे पास पर्पल है और ये एक वाइन प्लांट है, मतलब ये बेल की प्लांट है। इसको आप किसी का सहारा देके आप इस प्लांट को बढ़ा सकते हैं। प्रोपोगेशन की बात करें तो ये कटिंग से भी लग जाता है और इसमें एक फली आती है, जब वो पक जाती है तो उसके सीड से भी हम इसको ईजिली ग्रो कर सकते हैं। बहुत ईजी टू केयर प्लांट है, आप आसानी से अपने गार्डन में ले आइए। जितना ये शुभ माना जाता है उतना ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। और उसके बाद हमें इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है, बहुत ज़्यादा धूप यह बर्दाश्त नहीं करता है, छनी हुई धूप में इसको रहना पसंद है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। उसके बाद एक ऐसे प्लांट की बात करते हैं जिसे साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट है। एक यही ऐसा प्लांट है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही करता रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेंसिवेरिया की या मदर इन लॉ ट्रंक की। आप देख सकते हैं मैंने ये एक ही प्लांट में से इतने सारे प्लांट्स बना लिए हैं। एटलीस्ट अभी मेरे पास मोर देन 20 पॉट्स हैं, ये जो कि मैं सिर्फ एक प्लांट में से लाई थी। बहुत ईजिली प्रोपोगेट होता है, आप एक पॉट में लगा दीजिए, उसी में इसके नए पप्स आते रहते हैं और आप उसको ईजिली डिवाइड करके अलग प्लांट में लगा दीजिए
दीजिए, पॉट में लगा दीजिए, आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिच है इसलिए घर में रखना इसे बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी कई वेराइटीज़ होती हैं, एक ही छोटा होता है इसे बर्ड नेस्ट भी कहते हैं, और मेन तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो इसकी ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग क्वालिटी होती है, जिसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी प्लांट की। ये तो शायद सबके घर में ही मिल जाएगा, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। ये भी ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है। इसमें ऐसा कहते हैं कि ये अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट हो उसको बहुत ज़्यादा क्लीन कर देता है, इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसे मनी प्लांट क्यों कहते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद इसके पत्ते बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि भाई हाँ इसके पत्ते ग्रो करते हैं तो आपका पैसा भी ग्रो करना चाहिए, हो सकता है इस वजह से इसे मनी प्लांट कहते हो। लेकिन मतलब इसका जो मेन तो यही है कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग है। उसके बाद एक और प्लांट है एरेका पाम, ये भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट है और वास्तु के अनुसार आपको अपने घर में रखना चाहिए। ये जो ऐसे प्लांट होते हैं इन्हें ऐसा कहा जाता है कि इन्हें हमें अपने एंट्रेंस पर रखना चाहिए, कि एक तो ये ब्यूटिफिकेशन के लिए काम आते हैं, दूसरा ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये अच्छे माने जाते हैं वास्तु के हिसाब से कि आप इसे अपने घर में ज़रूर रखें। मनी प्लांट की कई वेराइटीज़ होती हैं, मेरे पास भी है, नियॉन पोथोस है, एंजॉय पोथोस है, वो कुछ आप कोई भी वेराइटी रख सकते हैं। तो ये है नियॉन पोथोस, देखिए कितने सुंदर वाइब्रेंट येलो कलर में ये है। मैंने इसकी हैंगिंग बास्केट्स भी बनाई हुई हैं, ये देखिए ये हैंगिंग बास्केट्स में है। आप बस इसको छनी हुई धूप दीजिए, बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट ना दीजिए मनी प्लांट को, तो बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा। एक और ये है, इसे शायद एंजॉय पोथोस बोलते हैं, ये देखिए कितना अच्छा वेरिएशन आ रहा है इसमें। तो ये एक और ऐसा प्लांट है जो वास्तु के हिसाब से आपको घर में रखना चाहिए। एक और प्लांट की बात करूँ तो वो है रबड़ प्लांट। रबड़ प्लांट भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट है। वास्तु के अकॉर्डिंगली हमें मतलब वो बताए गए हैं जो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा दें या हमारे लिए किसी तरह से लाभदायक होते हैं, तो वो प्लांट्स हमें बताए जाते हैं। तो एक इसमें भी प्लांट है रबड़ प्लांट, ये भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अभी फ़िलहाल मेरी लीव्स थोड़ी सी गंदी हो रही हैं, लेकिन जब इसे बिल्कुल क्लीन कर देते हैं तो बहुत अच्छा सा इसका ग्रीन कलर आता है, जो इसकी ब्यूटीफिक और ज़्यादा बढ़ाता है। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद एक और प्लांट की बात करती हूँ वास्तु के हिसाब से जो अच्छा होता है, वो है सुदर्शन का। इसमें छोटे छोटे वाइट कलर के फूल्स आते हैं, मैंने अपने किसी शॉट में आपके साथ शेयर किए थे, अभी फ़िलहाल तो नहीं आए हुए, लेकिन इसको भी घर में रखना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हमारे पुराणों में भी लिखा गया है कि कुछ पौधे इस तरह के होते हैं जिन्हें हम घर में रखें क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने वाले होते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हमें ऐसे कौन से 7 प्लांट्स अपने घर में रखने चाहिए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तु के अकॉर्डिंगली, स्पिरिचुअली भी और मेडिसिनल भी। लेकिन इनमें से एक प्लांट ऐसा भी है जो मेरे पास नहीं है और जो है नीम का पौधा। तो जो ये नीम का प्लांट होता है इसकी भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो ये प्लांट नहीं होता, ये पेड़ होता है। यूजली इसे बोला जाता है कि अपने घर के एंट्रेंस पे लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा मॉस्किटो रेपेलेंट होता है। इसकी लीव्स में बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होती हैं। हम इसकी लीव्स को अगर पानी में डालें और उस पानी से नहाएं तो वो भी बहुत ज़्यादा हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। तो एक और ऐसा प्लांट है जो हमारे हिसाब से लगाना चाहिए, जो मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मैं जल्दी ही अपने साथ लेकर आऊँगी, तो वो है नीम। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई और गार्डन रिलेटेड क्वेरी है वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं ज़रूर उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। अभी कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं लेकिन अभी एटलीस्ट मेरे पास इतने क्वेश्चन नहीं है कि मैं एक वीडियो प्रॉपर बना पाऊँ। एटलीस्ट कम से कम 20 क्वेश्चन तो होंगे जिसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना सकूँ। तो इसलिए आप लोग अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं नोट डाउन कर रही हूँ और जैसे ही मेरे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय बाय।